हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। और यह है ऋषिकेश जर्नी का पार्ट 3। बोर्ड को देखकर आप ये मत समझिए कि हम बद्रीनाथ या केदारनाथ जा रहे हैं। ऋषिकेश से यही रास्ता जाता है बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए, और यही रास्ता जाता है नीरगढ़ वाटरफॉल के लिए। तो जिन्होंने मेरी इससे पहले की दो वीडियो नहीं देखी ऋषिकेश की, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप वो दो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसके अंदर हम दिल्ली से पहले हम पहुँचे हैं ऋषिकेश, और वहाँ से फिर ऋषिकेश पूरा हमने ट्रैवल किया है एक सीक्वेंस में, और उसी सीक्वेंस के अंदर अब हम जा रहे हैं नीलगढ़ वाटरफॉल। आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप में से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऋषिकेश से ऊपर नीलगढ़ वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए रास्ता तो बिल्कुल साफ़ है, ऐसा कोई डेंजर वाला रास्ता नहीं है। बट हाँ, पहाड़ों के अंदर आप जब ड्राइव करें तो प्लीज़ अपने लेन के अंदर ही बाइक या अपनी कार चलाएँ, ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। तो आइए अब हम मिलते हैं नीलगढ़ वाटरफॉल के टिकट काउंटर पर पहुंचकर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपके होम स्क्रीन पर एक रेड कलर का बटन होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सही टाइम पर मिल पाए। अब हम पहुंच चुके हैं नीर वाटरफॉल के, या फिर हम कहें तो नीरगढ़ वाटरफॉल, दोनों बातें की है, का टिकट काउंटर पर। तो यहाँ से हम लेंगे टिकट और फिर चलेंगे ऊपर नीरगढ़ वाटरफॉल मेन, जहाँ से स्टार्ट होता है। तो चलिए टिकट का प्राइस आपको टिकट काउंटर पर चलकर दिखाते हैं कि क्या टिकट का प्राइस है। तो बाइक यहाँ तो अभी टेम्प्रेरी पार्क कर रहे हैं, लेकिन मेन हम बाइक पार्क करेंगे ऊपर नीरगढ़ वाटरफॉल पर, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक का जो रास्ता है वो तकरीबन आधा किलोमीटर का है, और वहाँ तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाता, हमें पैदल ही जाना होगा या फिर आपको खुद का कन्वेंस हो तो उससे जा सकते हैं। तो अब हम आप पहुँचे टिकट काउंटर पर। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं टिकट का जो प्राइस है वो अडल्ट के लिए 30 रुपये, बच्चों के लिए 20 रुपये, फॉरनर के लिए 50 रुपये। ये रही हमारी टिकट। अब टिकट काउंटर से हम ऊपर आ चुके हैं मेन एंट्रेंस पर नीलगढ़ वाटरफॉल के। ये जो हमारी बाइक यहाँ पार्क हुई है ना, कोई पेड पार्किंग नहीं है, फ्री है, बट लगाइएगा अपने रिस्क पर। ये देखो मेरा फ्रेंड अशोक तो एक्साइटमेंट के अंदर भागा जा रहा है बस बैग लेकर। लेकिन आप लोग प्लीज़ अपने साथ बैग मत लाइएगा, क्योंकि बैग कैरी करके ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, और बेटर है कि शॉर्ट्स में आइए और आराम से ट्रैकिंग का मज़ा लीजिए। अब यहाँ पर होगी बैग चेकिंग, जो कि हम करा चुके हैं, और बैग चेकिंग के बाद अब हम चलेंगे वाटरफॉल के लिए। तो जैसे कि वीडियो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर खाने पीने की सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, आराम से चेयर पर बैठिए, खाइए पीजिए और एनवायरनमेंट का मौसम का मज़ा लीजिए। तो ट्रैकिंग का रास्ता तो आपने देख लिया कितना खतरनाक है यहाँ पर, तो बेटर है कि शू पहन कर आइए बढ़िया वाले। और अब हम आ चुके हैं तीसरे वाले वाटरफॉल पर। इसके बाद अभी पर दो वाटरफॉल हो रहे हैं, लेकिन यार बस हम इधर ही नहाएंगे। अब ये देखिए अशोक तो हो भी गया शुरू। तो अब यहाँ पर अननोन के साथ हो चुकी है मस्ती शुरू। तो बेटर है मस्ती करते हुए ध्यान रखिएगा कि आस पास किसी फीमेल से टच मत हो जाइएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर थप्पड़ बसते हुए भी देखे हैं। तो बेहतर है ध्यान रख के नहाइए और अपना एंजॉय कीजिए।
तो वाटरफॉल में नहा के तो मज़ा आ गया। अब वाटरफॉल में नहाने के बाद हम चल रहे हैं नीचे वापस अपने बाइक पार्किंग की तरफ। तो बेटर है कि शू दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ भाई, सही पहन के जाना, क्योंकि यहाँ पर आप रास्ता देख रहे हो कि चप्पल पहन के जाओगे तो अगर चप्पल गलती से भी टूटी या फिसली तो आपको ट्रैकिंग से उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक नीचे पहुँच जाओगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अब आप देख सकते हैं गर्मी से परेशान किस कदर बच्चा परेशान हो चुका है कि भागा हुआ जा रहा है और जाकर सीधा कूदेगा वाटरफॉल में। ये ले। रास्ते में उतरा था, मिला एक नन्ना सा ट्रैकर। ये उन सबके लिए मोटिवेशन है हाइट पर। जो लोग ट्रैकिंग करते हैं वो डरते कि हम ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, तब ये बच्चा चढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं। तो इस क्यूट से छोटे से बच्चे के लिए, इस ट्रैकर के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह की शॉप्स आपको, छोटी शॉप्स जो हैं कोने कोने पर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक, जूस और छाछ, लस्सी सब मिल सकती है। और ये रहा हमारा नेचुरल फ्रिज जहाँ से अशोक भाई साहब भर रहे हैं पानी। तो अब इतनी वीडियो देखकर समझ में तो आ गया होगा कि हम कितनी हाइट पर जाकर नहा रहे थे। तो बेटर है कि आप सेकंड वाले वाटरफॉल में नहा लीजिएगा, इतने ऊपर जाकर जिनको ट्रैकिंग करनी है वो जाइए, अदरवाइज आप सेकंड वाटरफॉल में नहाइए आराम से, इतना ज़्यादा जाकर थकना क्यों। फाइनली बड़ी मेहनत करने के बाद हम नीचे आ चुके हैं और वो रही हमारी बाइक। अब हम यहाँ से चलेंगे डायरेक्ट हरिद्वार और वहाँ से फिर अपना निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर भी हम थोड़ी देर के लिए नहाए थे, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हरिद्वार पहुँचे और नहाए ना, बट उस दिन थी एकादशी तो इसलिए हम उस तरफ जाकर नहा पाए, भीड़ बहुत थी इसलिए हम थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पर अपना स्पेंड किया और अब निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। आप सभी को वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली ऋषिकेश का पार्ट 3 ये ओवर, इसके बाद अब नेक्स्ट आगे वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा।